Hello viewers, and first of all thank you so much for subscribing my channel on YouTube. Asija Brothers के बिहाव पे मैं सीए पुनीत असीजा आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ. और मेरे वीडियो का जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स. इस टॉपिक को चुनने की दो वजह हैं. पहला तो ये कि टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस इस बार आए हैं. चूँकि आने वाला समय जो है वो टैक्स ऑडिट को लेकर ही है, तो उस तरफ मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. दूसरा जो इसका मेरा मुख्य कारण रहा इस टॉपिक को चूज़ करने का, वो ये रहा कि इस सेक्शन की वजह से कुछ और इनकम टैक्स के प्रोविजन्स हैं जिनके ऊपर उसका असर पड़ा, तो उन पॉइंट्स पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. तो हम शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. मैं बात यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 को लेकर कर रहा हूँ, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2021 होगा. जो हमारे एक जनरल प्रोविज़न है सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के, वो हमें ये बताते हैं कि अगर बिजनेस का टर्नओवर किसी एसएससी का अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1 करोड़ रुपए को अगर क्रॉस कर जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, चूँकि हमने फाइनेंशियल ईयर 1920 की हम बात कर रहे हैं जिसके लिए असेसमेंट डेट 2021 लगता है, तो अगर हम 1 करोड़ के टर्नओवर को एज अ एसएससी क्रॉस कर जाते हैं तो टैक्स ऑडिट कराने की लायबिलिटी हमारे पे आती है. यह 1 करोड़ का टर्नओवर हमारा 2 करोड़ रुपये काउंट किया जाता है अगर सेक्शन 44AD सबसेक्शन 1 के अंतर्गत हम हमारी इनकम को कंप्यूट करते हैं. सेक्शन 44AD सबसेक्शन 1 को हम प्रेजेंटिव बेसिस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जहां पे टर्नओवर को मिनिमम 8% एसएससी को डिक्लेयर करना पड़ता है. यह 8% की सीमा 6% पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है अगर डिजिटल माध्यमों से एसएससी पेमेंट स्वीकार करता है. तो 1 करोड़ के टर्नओवर की लिमिटेशंस को हम 2 करोड़ रुपये पड़ेंगे अगर हम बात प्रेजेंटिव बेसिस पर करते हैं, अन्यथा 44AB में जो एक जनरल लिमिटेशंस दी गई है वो ₹1 करोड़ दी गई है. यानी किसी एसएससी का टर्नओवर किसी प्रीवियस ईयर में जो कि 19-20 है हमारे केस में 1 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो टैक्स ऑडिट कराने की जिम्मेदारी एसएससी पे आती है, बशर्ते वो प्रेजेंटिव बेसिस पे अपने 2 करोड़ रुपये के टर्नओवर को काउंट ना करें. कुछ अमेंडमेंट इस बार इस पर्टिकुलर सेक्शन में आए हैं. यह टर्नओवर की जो लिमिटेशंस है ये 5 करोड़ हो जाती है अगर बशर्ते एसएससी अपना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये के अकॉर्डिंग अगर अपनी टैक्स ऑडिट को टालना चाहता है तो उसको 2 शर्तों को पूरा करना यहाँ पर ज़रूरी है. पहला, अगर आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारे प्रीवियस ईयर 19-20 हैं में अगर कैश रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट की 5% तक ही लिमिटेड रहती हैं. दूसरा, हमारे कैश पेमेंट्स पूरे पेमेंट्स के फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर 5% तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशन एसएससी पूरा कर लेता है तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जिसके लिए असेसमेंट ईयर 20-21 लगता है उसको टैक्स ऑडिट की जो लिमिटेशंस है वो 5 करोड़ तक चली जाती है. यानी 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट होने के बावजूद भी अगर एसएससी अपनी टैक्स ऑडिट को टालना चाहता है तो उसे ये दो कंडीशंस पूरी करनी होंगी. स्वाभाविक सी बात है, सरकार यहाँ पे डिजिटल माध्यमों से पेमेंट प्राप्त करने की ओर जोर दे रही है. चलिए, तो अब हमारे सामने 3 लिमिटेशंस आ गई हैं, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़. ब्रीफ में मैं आपके सामने अगर इसको समराइज करना चाहूँ तो 1 करोड़ हमें तब काउंट करना है जब एसएससी का बिजनेस है वो जनरल बिजनेस जो सेक्शन 44AB में दिखाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है. अगर आप 44AD सबसेक्शन 1 में अपनी प्रेजेंटिव बेसिस के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, उस बेसिस को करते हैं, 8% मिनिमम अगर आप अपना बिजनेस की इनकम को डिक्लेयर करते हैं, 6% अगर आप डिजिटल माध्यमों से अपनी पेमेंट्स को प्राप्त करते हैं तो अगर अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं तो आपके लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिटेशन है और आपके लिए 5 करोड़ हो जाती है अगर आप सरकार के निर्देश के अनुसार तो अपने साल भर के रिसिप्ट का 5% ही कैश तक प्राप्त करते हैं या इससे कम प्राप्त करते हैं. ऐसे ही कैश पेमेंट्स अगर आपके साल भर में 5% से ज़्यादा ना हो तो अब हमारे सामने 3 लिमिटेशंस हैं, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़.
इनसे ऊपर जाने पर ही हमें टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, इससे कम होने पर हमारा बिजनेस टर्नओवर है तो हमें टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और रखना चाहूँगा, अगर सेक्शन 4480 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो लिमिटेशंस बताई गई है ₹2 करोड़ की, इसमें अगर हम अपनी इनकम को 8% तक डिक्लेयर करते हैं जो कि मिनिमम इनकम डिक्लेरेशन पॉइंट है, या फिर 6% अगर हम डिजिटल माध्यम से डिक्लेयर करते हैं, तो अगर हम अपना प्रॉफिट किसी एसएससी को लगता है कि इससे कम रहा और वो इनसे कम डिक्लेयर करना चाहता है तो भी उसको टैक्स ऑडिट कराने की जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, ये तो बात रही टैक्स ऑडिट के पॉइंट्स की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ पॉइंट्स हैं जो इन पर्टिकुलर 5 करोड़ की लिमिटेशंस आने से चेंज हो जाते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, उन तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमें पता है कि इंडिविजुअल और HUF पे TDS और TCS काटने की जिम्मेदारी तब आती है जब वो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट होते हैं, यानी अगर इंडिविजुअल और HUF सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट नहीं है तो उन्हें TDS काटने और TCS काटने की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, इस साल सरकार ने हमें ये बोला है कि अगर आपके प्रीवियस ईयर में टोटल रिसिप्ट का 5% तक ही कैश रिसिप्ट हैं, टोटल पेमेंट का 5% तक ही अगर आपके पेमेंट हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जिम्मेदारी नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर इंडिविजुअल HUF, उनके ऊपर भी टैक्स ऑडिट काटने की जिम्मेदारी नहीं आती है अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली एसएससी का टर्नओवर 5 करोड़ की लिमिटेशंस को हो जाता है। मैं यह मान के चल रहा हूँ कि एसएससी का टर्नओवर 5% के कैश रिसिप्ट और 5% की पेमेंट्स में जो हमारे कैश पेमेंट्स हैं उसके रिस्ट्रिक्शन को पूरा कर लेता है तो उसको 5 करोड़ तक TDS काटने की जिम्मेदारी नहीं, TDS 5 करोड़ तक टैक्स ऑडिट कराने की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही उन इंडिविजुअल HUF को भी TDS TCS काटने की जिम्मेदारी नहीं आएगी अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ की लिमिटेशंस तक पहुंच जाता है, क्योंकि जैसे ही उनका टर्नओवर 1 करोड़ से हटके 5 करोड़ तक जाता है, मानते हुए कि वो बाकी सारी कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो उनको भी टैक्स ऑडिट पे ये लाइबिलिटी नहीं आएगी। और अगर टैक्स ऑडिट की लाइबिलिटी ही नहीं आएगी तो उनको अपने TDS और TCS काटने की जिम्मेदारी से भी वो बच जाएंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तीसरा पॉइंट, बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स के। हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो हमें बोलते हैं ड्यू डेट्स के सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कि हमें अपनी टैक्स ऑडिट जो है जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा के 30 सितंबर 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए बात कर रहा हूँ, हमें गवर्नमेंट के पोर्टल इनकम टैक्स पोर्टल पर डिपॉजिट जमा करानी पड़ती है, सबमिट करानी पड़ती है। बट इस बार कुछ चेंजेस आए हैं और हम चेंजेस जानते हैं कि COVID-19 जो कि एक पेंडेमिक से पूरी दुनिया समय गुजर रही है तो उसको लेके बिजनेसेस में बहुत सारे डिसरप्शंस आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आपके टैक्स ऑडिट की समय सीमा को 1 महीने से बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है। दूसरा, अगर टैक्स ऑडिट की सबमिशन की समय सीमा बढ़ गई है तो क्या इसका इनकम टैक्स पर प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अगर टैक्स ऑडिट की समय सीमा को जहां 30 सितंबर 2020 से बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 करा गया है, उसी प्रकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा भी जो है उसको भी 31 अक्टूबर से बढ़ा के 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है, यानी 1 महीने का एक्सटेंशन यहाँ भी आया है। हम जानते हैं वो एसएससी जिनके अकाउंट्स ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट में आते हैं उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है 30 सितंबर तक और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर तक सबमिट करनी होती है। बट जैसा कि मैंने कहा कि पूरी दुनिया इस समय COVID-19 के पेंडेमिक से गुजर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेसेस को सहायता करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशंस को और टैक्स प्रोफेशनल्स पे जो इस समय बर्डन आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 1 महीने का एक्सटेंशन आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के सबमिशन में जो कि 30 सितंबर से 31 अक्टूबर और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग में जो कि 31 अक्टूबर से 30 नवंबर कर दिया है। ठीक है, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता था। कुछ पॉइंट टैक्स ऑडिट से रिलेटेड थे तो कुछ पॉइंट उनके टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग से रिलेटेड थे। समय नज़दीक आ रहा है, जून के मध्यांतर तक हम पहुंच चुके हैं, आगे हमारे GST के ऑडिट्स में आने वाली हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का टाइम भी आने वाला है और हमारे टैक्स ऑडिट का टाइम भी आने वाला है। सभी टैक्स प्रोफेशनल्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हम पूरी तरीके से हम सारे टैक्स प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स की मदद करने के लिए तैयार हैं और आशा करते हैं कि सही समय सीमा पे और हम अपनी क्लाइंट्स को पूरी मदद कर पाएंगे। साथ के साथ मैं आपको एक मैसेज पर्सनली रूप से भी देना चाहूँगा। देखिए, समय इस समय थोड़ा हमारे लिए टफ है, चाहे वो समय हमें COVID-19 को देखकर हो या देश में अभी जो हमारी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको देखकर हो, पर रात के बाद एक सुबह आती है। तो यही एक पॉजिटिव लेके इस वीडियो को हम अंत करेंगे और जल्दी से जल्दी ही हम लोग पॉजिटिव साइड की ओर अग्रसर होंगे।
आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मेरी आप लोगों से कामना है। मैं सी अपनी तसीजा असीजा असीजा ब्रदर्स के चैनल के बिहाफ पे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ये मेरे लिए प्रेरणादायक होगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मैं आपके सामने किसी नए टॉपिक पर एक चर्चा करूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, गो आउटसाइड इफ़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी नेसेसरी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट।